हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ़ यू आर वेलकम एट द MCG एकेडमी ग्वालियर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, रेगुलर मैं आप लोगों के लिए इन द मॉर्निंग करेंट ऑफिशियली करके आता हूँ। आज है आप लोगों का 2 नवंबर, लेकिन आज ही मैं आप लोगों को जो 1 नवंबर का भी करेंट ऑफिशियली करके आया हूँ। कल किसी जो है इम्पोर्टेंट वर्क के कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला सका, लेकिन आप लोगों के लिए एक भी दिन मैं आप लोगों के लिए मिस नहीं करने वाला। तो आज है आप लोगों का 2 नवंबर, आज आप लोगों के लिए शाम को जो है 2 नवंबर का भी करेंट ऑफिशियली करके आऊँगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो आप लोगों का 1 नंबर का करंट अफेयर्स है, उसमें आप लोगों के लिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन जो आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए नामों में से किसने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल की घोषणा की गई है, तो किसको हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल बनाया गया है। तो हाल ही में R.K. माथुर को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। ऑप्शन डी आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राधा कृष्ण माथुर, जिनका शॉर्ट नाम आप लोगों के लिए R.K. माथुर करके दिया गया है, राधा कृष्ण माथुर ने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के तौर पर जो है शपथ ग्रहण की। केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IAS अधिकारी उमंग नरोला को लद्दाख के उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया। तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले बनने वाला है कि लद्दाख का हाल ही में उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, राधा कृष्णन माथुर। उनका सहायक किसे नियुक्त किया गया है, सहायक जो सलाहकार होता है उपराज्यपाल का, उमंग नरोला, जो कि जो है गृह मंत्रालय ने IAS अधिकारी हैं, कौन, उमंग नरोला, इनको उनका सहायक नियुक्त किया है। इसके अलावा IPS अधिकारी SS खंडारे को लद्दाख पुलिस का प्रमुख बनाया गया। लद्दाख आज 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर से पृथक होकर एक अलग केंद्र शासित बन गया है। ये आप लोगों को पता शायद पहले ही चल गया हो, लेकिन जो है 31 अक्टूबर आप लोगों को पता होना चाहिए, 1 नवंबर से जो है ये प्रभाव में आने वाला था, तो 31 अक्टूबर को ये सब कुछ किया गया है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये एक फायर न्यूज़ में से एक है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हर रोज़ बताना चाहूँगा, हर रोज़ कुछ नया क्वेश्चन ही लेकर के आता हूँ। हर रोज़ का टॉपिक आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रहता है, और सभी क्वेश्चन इसी प्रकार के रहते हैं, जो कि आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अंत में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके देना होता है। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, हर दिन एक छोटा सा टारगेट फिक्स कीजिए और उसको अचीव करने में अपना पूरा टाइम दीजिए। मैं आप लोगों से बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ, कुछ समय बाद आपकी ज़िंदगी हूबहू बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के यदि गोल नहीं होते तो अचीवमेंट क्या करोगे। हर रोज़ यदि कोई टारगेट नहीं होगा तो काम क्या करोगे, और व्यक्ति को बिजी रहना बहुत ही आवश्यक है। ओके, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों से क्या कहता है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार भारत में लोगों की जीवन प्रत्याशा वर्ष 1970 से 1975 की तुलना में 49.7 से बढ़कर कितनी हो गई है। जीवन प्रत्याशा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वह उम्र जिसमें एवरेज या औसतन व्यक्ति जीता है। तो पहले जो 50 साल रह गई थी, मींस 49.7 रह गई थी, जो वर्तमान में हो चुकी है आप लोगों का 68.7। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे छोटा सा क्वेश्चन बनता है, वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, हर्षवर्धन जी हैं। इनके द्वारा जारी नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोगों की जितनी प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेंसिटी वर्ष 1970-75 में जो कितनी थी आप लोगों के लिए 50% थी, की तुलना में 2012 से 16 के बीच में 68.7 हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस दौरान महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70.2 वर्ष और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 67.4 ईयर है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में 6.19 जो परसेंट हैं वो जो व्यक्ति हैं वो हाइपरटेंशन से, और 0.30% जो है हृदय रोग, और 0.26 लोग जो है कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा परसेंटाइल किसका रहा है, हाइपरटेंशन का। मैं आप सभी को एक छोटा सा मूल मंत्र देना चाहूँगा, मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा नहीं है कि जॉब लगना ही अनिवार्य है, यदि जॉब नहीं लगी तो आपको खाना नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी आपको चिंतित नहीं होना है। हमें सब कुछ दिया गया है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों को इस पर डिपेंडेंसी नहीं रहना है कि जॉब ही लगना चाहिए। आई होप मैं
चाहूँगा कि आप लोग सभी की जॉब लगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हाइपर टेंशन से हमारी जीवन प्रत्याशा कम होती है। और आप लोग यदि जल्दी चले जाओगे तो कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। यदि जान रही तो लाखों पाओ, जैसे आप लोगों का कहता है, तो इसी प्रकार यदि आप धरती पर रहोगे तो कुछ अच्छा करके ही जाओगे। तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ऑलवेज बी टेंशन फ्री। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने बड़े स्तर पर हो रहे नागरिक प्रदर्शनों के कारण वहां आयोजित होने वाले COP25 और APEC शिखर सम्मेलन के आयोजन को रद्द कर दिया है? तो किस देश ने रद्द कर दिया, ये आप लोगों को बताना है। तो चिली जो है, चिली सरकार ने ऐसा कर दिया है। चिली सरकार ने वहां पर जो है अभी नागरिक प्रदर्शनों के कारण जो बड़े स्तर पर भीड़ भड़का और कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर वहाँ दंगे चल रहे हैं, तो इसके कारण COP25 और APEC की जो बैठक होने वाली थी उसका जो है उन्होंने रद्द कर दिया है। चिली में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण चिली सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 और एशिया पैसिफिक, जिसका जो आप लोगों का APEC होता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन शिखर सम्मेलन की मेजबानी को रद्द कर दिया है। चिली के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है आप लोगों के लिए? सेवेस्टियन पिनेरा। चिली के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? सेवेस्टियन पिनेरा द्वारा मेट्रो किराए में 30% वृद्धि करने के कारण वहां की जनता लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर आई है। राष्ट्रपति ने वहां आपातकाल भी लगा दिया, लेकिन प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। चिली की जनता आर्थिक सुधार और नई सरकार की मांग कर रहे हैं वहां के राष्ट्रपति ने। तो ये आप लोगों के लिए देखो 5 टॉपिक्स होते हैं। यदि आप कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो IAS IPS का, तो आप लोगों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आप अभी कॉलेज लाइफ जी रहे हो, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को जितने भी क्वालिफाइड IAS IPS ऑफिसर हैं उनका इंटरव्यू पढ़ना चाहिए। आज आप लोगों को इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। यदि आप लोग पढ़ना भी चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं भी पढ़ता रहता हूँ और आप लोगों के लिए भी अपलोड करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। ओके, वहाँ से आप लोग इसका PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो का भी। ओके, तो वहाँ पर जो है किस कारण से जो किया गया है, तो ये आप लोगों को किसी भी चीज़ को यदि आप पढ़ते हो तो क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब चीज़ें आपके मन में चलना चाहिए। सबसे पहला कहाँ, चिली। किस कारण से, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति ने 30% वृद्धि कर दी है मेट्रो के किराए में। वहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है? सेवेस्टियन पिनेरा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते भी हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है, आप लोगों से क्या कहता है, भारत और बांग्लादेश के बीच देश का पहला डे नाइट मैच, जो टेस्ट मैच है, किस मैदान पर खेला जाएगा? तो भारत और बांग्लादेश के बीच देश का पहला डे नाइट मैच खेला जाने वाला है, तो कहाँ पर, किस मैदान में खेला जाएगा? ये खेले जाने वाला है दोस्तों ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाने वाला है। अब जो है आप लोगों को पता होना चाहिए ईडन गार्डन कहाँ स्थित है। तो ईडन गार्डन स्थित है दोस्तों आप लोगों का कोलकाता में। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला डे नाइट मैच कब खेला जाने वाला है? 22 नवंबर को, और 22 नवंबर को कोलकाता की ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच की एक और खासियत यह है कि यह पिंक रंग की गेंद से खेला जाएगा। इसके लिए BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भारतीय टीम के लिए गेंद बनाने वाली कंपनी से कहा है कि वह 1 सप्ताह में 72 गुलाबी गेंद तैयार कर लें, ताकि दोनों टीम को प्रैक्टिस में कोई भी दिक्कत ना हो। जो आप लोगों को पिंक कलर की गेंद, तो ये आप लोगों के लिए आगे चल के आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाला है। क्या कि पहला डे नाइट मैच कब खेला गया? 22 नवंबर 2019 को। कहाँ खेला गया? ईडन गार्डन में। उस समय भारतीय टीम के जो BCCI के अध्यक्ष कौन थे? गांगुली। भारतीय टीम के अध्यक्ष कौन थे? विराट कोहली। ओके, ये सब कुछ आप लोगों के लिए, इन केस फ्यूचर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सब चीज़ें, क्योंकि पहला डे नाइट मैच खेला जाने वाला है 22 नवंबर को। ओके, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रत्येक वर्ष भारत में 31 अक्टूबर को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर को पुण्यतिथि मनाई जाती है प्रतिवर्ष। वर्ष 2019 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 35वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में सूचना और प्रसारण मंत्री का पद संभाला था। तो पहली बार इनको कौन सा पद मिला हुआ था? सूचना एवं प्रसारण मंत्री। इसके बाद शास्त्री जी के निधन के बाद वह देश की तीसरी प्रधानमंत्री चुनी गई। तो पहली प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे आप लोगों के लिए? जवाहरलाल नेहरू। तीसरी कौन थी आप लोगों के लिए?
कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। सॉरी से आई फॉरगेट, फर्स्ट कौन थे आप लोगों को ये बताना होगा, सेकंड आप लोगों के जो है लाल बहादुर शास्त्री थे, थर्ड आप लोगों के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ओके, वर्ष 1971 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, और आप लोगों के लिए 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इनकी हत्या कर दी गई। इसी कारण से इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इनकी हत्या कर दी गई थी। इसी कारण से जो है राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे पहले, दूसरे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरी थी इंदिरा गांधी। बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए नहीं है। सॉरी से लाल बहादुर शास्त्री जो थे दूसरे आप लोगों के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले थे, दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे आप लोगों के लिए हो गया है जो हैं आप लोगों के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो आप लोगों को बताना है किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये आप लोगों का मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। अब यदि दिवस की बात करते हैं तो हर दिन कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है, लेकिन अक्टूबर माह में सबसे महत्वपूर्ण, शुरुआत से मैं बोलता आ रहा हूँ, 2 अक्टूबर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए फुल सितंबर, फुल अक्टूबर का जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ होता है मैंने तैयार कर लिया है, और आप लोगों को लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप लोग परचेज कर सकते हो। और रेगुलर पीडीएफ फाइल यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। यदि फुल एक ही चाहिए तो मिनिमम मैंने उसका ₹10 प्राइस रखा है, आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है, और यह दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित किया जाता है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू और कश्मीर में धारा 370 वापस लेने का निर्णय सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित किया। इस दिवस के तहत पूरे भारत में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम भी आयोजन किया गया, जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए रन फॉर यूनिटी में आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है कि कहां से कहां तक ये संपन्न किया गया था। रन फॉर यूनिटी की जो नॉर्मल रनिंग थी वो कहां से किस और किस जगह के बीच में किया गया था, छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके देना है। अगला आप लोगों का क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस जलवायु कार्यकर्ता ने नॉर्डिक परिषद का पर्यावरण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया? तो हाल ही में जलवायु कार्यकर्ता कौन से हैं जिन्होंने नॉर्डिक, एक परिषद है जिसने जो पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार लोगों को देती है, तो किसने मना कर दिया है? तो हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग जो हैं, इन्होंने नॉर्डिक परिषद द्वारा दिए जाने वाले पर्यावरण पुरस्कार को यह कहते हुए लेने से मना कर दिया कि जलवायु अभियान में आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता में बैठे लोग पुरस्कार देने के बजाय विज्ञान का अनुसरण प्रारंभ करें। इस पुरस्कार के तहत $52,000 की राशि दी जाती है। थनबर्ग ने नॉर्डिक परिषद का आभार व्यक्त करते हुए इसे लेने से मना कर दिया। स्वीडन की नागरिक ग्रेटा फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान चला रही है। नागरिक जो ग्रेटा थनबर्ग हैं वो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक अभियान चला रही हैं, जिसमें शुक्रवार को प्रत्येक हर फ्राइडे को वहाँ की जनता पर्यावरण के प्रति कुछ ना कुछ हृदयवान प्रकट करती है। ओके, मींस कोई ना कोई टारगेट फिक्स करके कुछ ना कुछ प्रकृति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, अरब सागर से उठे चक्रवात का क्या नाम है जिसके लक्षद्वीप से होकर जाने की घोषणा की गई है? तो अरब सागर से उठे चक्रवात का नाम क्या है जो लक्षद्वीप से होकर जाने की जो इसकी संभावना व्यक्त की गई है, तो उसका नाम आप लोगों को पूछा गया है वो है आप लोगों का महा। ऑप्शन बी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी जानकारी में यह कहा गया है कि अरब सागर में बना हवा का गहरा दबाव चक्रवात महा में तब्दील हो गया है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अरब सागर में बनने वाला हाल ही में सबसे बड़ा चक्रवात का क्या नाम है, महा इसका नाम दिया गया है। तूफान महा को लेकर लक्षद्वीप में 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लक्षद्वीप के साथ ही केरल के भी 6 जिले हैं जहां पर इस तूफान को हाई अलर्ट जारी किया गया है, जो कि समुद्री किनारे पर बसे हुए हैं। आगे का जो आप लोगों का क्वेश्चन है, फ्रेंड्स मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा यदि आप लोगों को वीडियो से एक नंबर का भी फायदा होता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके,
अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य के लोक नृत्य भावना के अंग्रेजी संस्करण का आयोजन अबू धाबी में किया गया। तो आप लोगों को सबसे बड़ा आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर एक आप लोगों को आम भाषा में किस राज्य का लोक नृत्य भावना है, तो ये भावना जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा और इसका अंग्रेजी प्रारूप जो है तैयार करके अबू धाबी में इसको प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोगों से एक यहाँ दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि असम राज्य का लोक नृत्य क्या है, भावना, और इसका अंग्रेजी संस्करण कहाँ प्रस्तुत किया गया था, अबू धाबी में। भावना असम का पारंपरिक लोक नृत्य है और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 500 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस नृत्य में कलाकार संवादों, गीतों और नृत्यों द्वारा इस पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति देते हैं। यह किसी पौराणिक कथा पर आधारित होता है। असम का माजुली क्षेत्र भावना का क्षेत्र माना जाता है। इस नृत्य को पहली बार अंग्रेजी में अबू धाबी प्रस्तुत किया गया, तो अबू धाबी में इसको पहली बार अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया, कहाँ पर, अबू धाबी में। ओके, अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने मानसिक अस्वस्थता के चलते खेल से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है। तो ग्लेन मैक्सवेल जो खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर हैं, ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध ऑलराउंडर क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने हाल ही में मानसिक अस्वस्थता के चलते अनिश्चितकालीन क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर माइकल लॉयड ने एक बयान जारी किया कि ग्लेन मैक्सवेल अपने मानसिक स्वास्थ्य संबंध में कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें खेल से दूर रहना पड़ेगा। मैक्सवेल की जगह अब बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज डी ऑर्की शॉट, जो आप लोगों का उनका नाम है, को शामिल किया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का आप लोगों का होमवर्क क्या है, पहला जो आप लोगों का एक ही क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना होता है। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे तो शायद इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को फरवरी 2020 तक अपनी ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। तो किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है, ऑप्शन है आप लोगों का नेपाल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आप लोगों को इसका आंसर जल्दी ही मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को हम रिप्लाई करने वाले हैं। इसी के साथ आज आप लोगों का जो है 1 नवंबर का जो करंट अफेयर्स में लेकर के आया था उसका सेशन समाप्त होता है। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप लोगों ने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।